पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम जो कि नोएडा के अंतर्गत यहां पर बिजली की आपूर्ति कर रहा है, उसके मुख्य अभियंता जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं हरीश बंसल जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश सरकार ने जिस तरीके के आश्वासन और जिस तरीके के वादे किए हैं उस पर नोएडा में किस तरीके की स्थिति रहेगी, क्या कुछ कहना है? नहीं, जो हम लोगों को विद्युत आपूर्ति करने का आदेश मिला है वो भी 15 नवंबर तक, उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमारे नोएडा ज़िले में लगभग 1300 मेगावाट की आवश्यकता पड़ेगी दीपावली के समय में, उतनी बिजली हम लोगों ने उपलब्ध कर ली है अपनी। और इसके जैसे आज के बाद से इंडस्ट्रियल लोड हमारा कम हो जाएगा तो हमारे पास विद्युत आप जो है और ज़्यादा बचेगी, जो हमारे पास मांग है उससे कम हमें आवश्यकता पड़ेगी। बाकी लाइन मेंटेनेंस के लिए और अन्य कार्यों के लिए हम लोगों ने हर जगह जो है टाउंसा वगैरह और अपनी गैंग उपलब्ध करा दी है। एक हमारा कंट्रोल रूम सेक्टर 18 में कंट्रोल रूम चलेगा, वो 19-12 के अतिरिक्त है, उसमें हमने नंबर अपने हर जगह न्यूज़पेपर को दे दिए हैं। जो एक नंबर मोबाइल का नंबर है मैं आपको बता देता हूँ, 1659 नंबर है। उस नंबर पे आप लोग कभी भी कोई व्हाट्सएप कर देंगे या कोई आप सूचना बताएंगे तो वो सूचना तुरंत जो है कार्रवाई होगी। बाकी हमारे कंट्रोल रूम में अधिकारियों की भी ड्यूटी लगा रखी है, हमारे एई स्तर के अधिकारी हमारे कंट्रोल रूम में रहेंगे। ये आज से कंट्रोल रूम काम करेगा, आज कल परसों दीपावली के मेन पर्व तक रात के 1 बजे तक काम करेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें सर, क्योंकि बिजली को देखते हुए तमाम शॉर्ट सर्किट जैसे चांसेस भी बन जाते हैं, तो इस चीज़ पर किस तरीके से लगा? देखिए, ये हमारा अनुरक्षण माह हमारा पहले से ही चल रहा था तो उसमें हमने देखा कि टाउनसाउन के आसपास कोई भी चिंगारी आती है तो उसमें आग लग जाती है, वो सब हमने साफ़ करा लिया। यार्ड हमारे 33 के बिजली घर भी साफ़ हो गए हैं, बहुत जगह हम लोगों ने केबल भी बदली हैं जो ख़राब केबल हैं, और कुछ जॉइंट कुछ क्षेत्र हमने चिन्हित कर रखे हैं जहाँ फॉल्ट होने की संभावना हो सकती है, वहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग लगातार चलेगी। जी, दिवाली के अवसर पर क्या कुछ संदेश आप नोएडावासियों? नहीं, बिजली विभाग से ये सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध रहेगा कि हमारी लाइन के नीचे पटाखे न चलाएं, वो वैसे तो पटाखे प्रतिबंधित हैं फिर भी इसको अवॉइड करें, और कहीं भी कोई देखें कोई प्रॉब्लम है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बताएं, कहीं भी अगर वो देखते हैं आग लगती हुई तो हमें तुरंत सूचित करें जिससे हमारी टीम मौके पर पहुंच के तुरंत फॉल्ट रेक्टिफाई करे। जी, इस तरीके से बिजली विभाग आपकी दिवाली को और ज़्यादा सुगम और ज़्यादा उत्साह पूर्वक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आप देखते रहिए 10 न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु।